Hey mascots, Biotonians, so many of you write down and tell me that ma'am, we feel so dull while studying. जब तक आप रहते हो स्क्रीन पे तब तक तो पढ़ाई बड़ी अच्छी हो जाती है, but जैसे self study करने लगते हैं, we feel super dull, we are not able to study. Today, I will tell you these 5 habits which make you super dull while studying. All that you have to do is eliminate each one of them, and I promise it to you that you will find renewed zeal, enthusiasm, focus, determination to study. Number one, studying right after food. Oh, nobody can do it. Even I cannot do it. I'm sure Anand sir, Babji sir, Pulkit sir, ऐसा कोई नहीं कर सकता. आप सबको भरपेट खिलाना खिला दो और उसके बाद बोलो यार चलो अब तुम्हें पढ़ाई करनी है. So the first and the most underrated thing that we don't talk about is, and we don't say this is, have food in moderation. And if you have to have food, because khana to khana hi hai, take rest, have siesta, don't force yourself or don't force your body ki nahi ab to khana khaya aur khakar padhna. You will end up feeling grouchy, sleepy, slouchy, tired, nahi padhai hogi. So number one is that. Number two, not having the right ambience to study. अब आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और साथ वाली आंटी आई हुई है और अंकल और आंटी सब मिलकर गप्पे मार रहे हैं. ऑब्वियसली पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. यू विल फील यार यहाँ पे तो क्या पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, एक लाइन भी आगे बढ़ा नहीं जाएगा. यू विल फील वेरी डल क्योंकि असली बातें तो वहां चल रही हैं. सो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी. नंबर थ्री, स्टडिंग इन लो लाइट. इफ यू डोंट हैव द राइट लाइट टू स्टडी, अंधेरा सा कमरा है, your posture is not right, your chair is not right, your table is not right. I'm not saying कि आप एकदम मतलब अभी मम्मी पापा को बोलो आज तो मुझे 15,000 का टेबल, 10,000 की कुर्सी मंगा के दो अभी पढ़ूंगा, बट एटलीस्ट एक छोटा सा सस्ता सा टेबल लैम्प ले लीजिए, हैव द राइट काइंड ऑफ एम्बियंस, हैव द राइट चेयर, कुशंस लगा के ठीक कर लीजिए. बट दैट इज वॉट इज नीडेड टू स्टडी वेल. नंबर फोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पता नहीं क्यों इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, इज दिस that there is a certain time to study everything. रात के 10 बज रहे और आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ऑब्वियसली आप डल फील करोगे ना, आपकी आंखें बंद होंगी. रात के 10 बजे कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ो. सुबह के 5 बजे हैं, यू आर एब्सोल्यूटली वाइड अवे, कभी भी उठे हो रात को 5-6 घंटे सो के हटे हो या 6-7 बज रहे, ब्रश व्रश करके एकदम रेडी हो और आप लेकर बैठ जाते हो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जिसमें मारने रटते. अरे दैट इज अ टाइम फॉर योर ब्रेन टू वर्क, दैट इज अ टाइम यू मस्ट स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यू मस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स. सो हैव द राइट टाइम टू स्टडी. अनदर रीजन वाई यू फील डल इज आप पढ़ते ही रह जाते हो, एक बोरिंग सा टॉपिक उठाया उसको पढ़ा 2 घंटे, किताब बंद किए, अनदर रीड. यूज वेरियस फैकल्टीज ऑफ द ब्रेन. अगर आपने 2 घंटे थ्योरी पढ़ी है, आफ्टर दैट चेंज इट, या तो आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए या टोटली सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए. वेन यू एड दीज काइंड ऑफ फ्लेवर्स इन योर स्टडीज, वेन यू हैव द राइट एम्बियंस टू स्टडी, वेन यू स्टडी आफ्टर अ ब्रेक और आफ्टर द स्मॉल स्लीप ब्रेक आफ्टर योर लंच, दैट इज अ टाइम यू विल रियली फील लाइक स्टडिंग. You will not feel dull and you will always have वो enthusiasm of पढ़ना. Last but not the least, है तो ये 6 चीज पर बताना बहुत जरूरी है, measure your outcome, because when the outcome is favorable, just like weight loss, it will really make you study more. अगर आप random pages पढ़ते चले जा रहे हो उसको measure करने का कोई तरीका नहीं है तो आपको कभी मन ही नहीं करेगा कि मुझे पढ़ना है. What you need to do instead is you need to measure, आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितने numerical solve करे. अगर एक पेज पे कहीं पे लिखा हुआ है फिर देखना, माशाल्लाह ऐसी फीलिंग आएगी कि आज तो मैंने इतना अचीव कर लिया, अगले दिन मुझे टारगेट को तोड़ना है, एंड यू विल रियली फील लाइक स्टडी मोर. इट हेल्प्स. ईच वन ऑफ द ट्रिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड आर नॉट ट्रिक्स, बट दीज आर टाइम टेस्टेड मेथड्स व्हिच आर रियली गोइंग टू हेल्प यू. डू दैट एंड देन राइट डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन एंड टेल मी वेदर इट हेल्प यू और नॉट. हाउ वाज टुडेज लेक्चर, ये भी जरूर कॉमेंट सेक्शन में कीजिए बताइएगा, और ऐसा क्या करना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वीडी नीट कोड यूज करके आ जाइएगा हमारे क्रैश कोर्स में, वीडी प्रो कोड लगाकर हमारे प्रो मेंबरशिप में, ट्रस्ट मी वी विल नेवर डिसअपॉइंट यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव बिहाइंड अ कमेंट. टेक केयर, बाय.